भाई कमेंट्स के थ्रू मेरे को सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है भाई इस वीडियो के लिए, जिससे भाई पता चलता है कि कोरियन ड्रामास की कितनी ज़्यादा पॉपुलरिटी और कितने ज़्यादा लोग उनको देखना एंजॉय करते हैं। तो इस वीडियो के दौरान भाई मैं आपको सात ऐसे शोज बताने वाला हूँ कोरियन ड्रामा वाले जो आपको जरूर देखने चाहिए। जबरदस्त शोज हैं, आपको सारे नेटफ्लिक्स में मिल जाएंगे और सारे हिंदी में अवेलेबल है। अब मैंने लिस्ट बनाता हूँ भाई, इस बात का ध्यान रखा कि ज़्यादा पॉपुलर शोज इंक्लूड ना करूँ इसके अंदर, क्योंकि भाई हो सकता है वो आपने पहले से देख रखे हो। तो जो कम पॉपुलर हैं, जो कम लोगों ने देखे होंगे लेकिन कोरियन ड्रामा ढूंढ रहे हैं, उनके लिस्ट काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगी। तो बिना ज़्यादा टाइम लिए चलिए लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला शो है हेलबाउंड, 2021 के अंदर पहली बार आया था और इसके अंदर भाई कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा दिखाया है। इसके अंदर भाई लोगों को पहले से पता चल जाता है उनकी मौत कब होने वाली है। किसी को 5 दिन पहले पता चलता है, किसी को 10 दिन पहले, तो किसी को कुछ सालों पहले। अब भाई जिस दिन उनकी मौत होने वाली है, बहुत ही बड़े बड़े क्रिएचर से आते हैं, जादुई मैजिकल क्रिएचर से होते हैं, जिनको इस शो के अंदर एंजल्स बोला जाता है, जो कि आके भाई आपको ब्रूटली मारते हैं फिजिकली और आपकी आत्मा को तुरंत के तुरंत ले जाते हैं। अब इस शो के दौरान बहुत सारे लोगों को अपनी मौत की तारीख पता चलती है और उससे वो बचने की कोशिश करते हैं। वो कैसे कैसे बच पाते हैं, कौन कौन बच पाता है, इस शो को देख के जानो, काफी अच्छा ड्रामा एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। थोड़ा नेगेटिव बस ये, थोड़ा डायरेक्ट लगता है शो कभी कभी, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो काफी बढ़िया शो, एक अच्छा कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करता है। साथ ही पर्सनली मेरे को शो का एंड भी बहुत खूबसूरत लगा था, जिसकी वजह से मैं आपको शो जरूर रिकमेंड करूंगा। बढ़ते हैं अगले शो की तरफ। इस शो का नाम है डीपी, उसका पहले सीजन 2021 के अंदर आया था। तो भाई ये शो स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई साउथ कोरिया में एक लॉ है जिसके अंदर हर यंगस्टर को मिलिट्री अंदर अपनी सर्विस देनी होती है 18 से 21 महीने तक के लिए, लेकिन भाई वो ट्रेनिंग और सर्विस हर किसी के बस की नहीं होती, तो उनमें से काफी लोग छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं, जिनको बोल दिया जाता है डेजर्टेड। तो इस शो के दौरान भाई एक मिलिट्री यूनिट होती है जो कि इन्हीं लोगों को पकड़ने का काम करती है। तो भाई इस शो के दौरान हमको साउथ कोरिया के लॉ के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है, साथ ही रियलिटी होती है, काफी पेनफुल रियलिटी होती है जो कि एक्सपीरियंस करने को भी मिलती है उनके लॉज के बारे में। तो ये वाला शो भाई एक बार जरूर देखना, इसके अंदर अच्छा एक्शन भी एक्सपीरियंस करने को मिला, खूबसूरत ड्रामा भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। और मेरे को लगता है अगर आप कोरियन ड्रामा देखते हो तो इन चीजों के हंट में रहते हो, तो ये भाई शो आपको बहुत अच्छी दोनों चीज एक्सपीरियंस कराता है। तो भाई अब आगे बढ़ते हैं अगले शो की तरफ। इस शो का नाम है इट्स ओके टू नॉट बी ओके और इसका पहला सीजन 2020 के अंदर आया था। भाई ये वाला शो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, एक रोम कॉम शो है बेसिकली, जिसकी कहानी कैसे लड़के के बारे में जो कि दूसरे लोगों की बहुत ज्यादा परवाह करता है और बाकायदा वो प्रोफेशनली भी एक केयर टेकर है, और उसकी जिंदगी में कैसी लड़की आती है जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचती है, काफी एंटी सोशल है लेकिन प्रोफेशनली बच्चों के लिए भूतों वाली कहानी लिखने का काम करती है। अब दोनों का ही भाई कोई आंशिक से लेना देना नहीं होता, दोनों अपनी जिंदगी के अंदर मगन होते हैं, लेकिन फिर किस्मत इन दोनों को मिलाती है और इन दोनों की कहानी आगे बढ़ाती है। अब इन दोनों की कहानी कैसे आगे बढ़ती है भाई, ये तो शो देख के जानो, काफी खूबसूरत शो है भाई। और साथ में इस शो के अंदर जो कॉमेडी एड करी है भाई बहुत ही ऑन पॉइंट लगती है, मैंने भाई हाल ही में देखा था भाई, मेरे को बहुत ही फील गुड वाला लगा था, जिसकी वजह से मैं ये आपको जरूर रिकमेंड करूंगा। और जैसा मैं बता चुका हूँ कि सारे शो जो मैंने बताए हैं और बताने वाला हूँ सब हिंदी में अवेलेबल है, सब नेटफ्लिक्स में मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अगले शो की तरफ। और भाई इस शो के अंदर जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा, इसका नाम है माई नेम और ये पहली बार 2021 के अंदर आया था। इसकी कहानी घूमती है एक लड़की के अराउंड, जिसके फादर का मर्डर उसके सामने ही कर दिया जाता है। अब इस लड़की को चाहिए होता है बदला उस बंदे से जिसने उसके पिता को मारा। अब इसको थोड़ी तहकीकात करने के बाद पता चलता है कि वो भाई पुलिस वाला था ही। तो भाई उस बंदे से बदला लेने के लिए पुलिस ज्वाइन कर लेती है। अब बाद में इसके साथ क्या क्या होता है भाई, शो को देख के जानो, सही में भाई बहुत ही जबरदस्त एक्शन सीन्स है इसके, और जैसे कोरियन ड्रामास के अंदर जबरदस्त ड्रामा भी होता है इसलिए उनको कोरियन ड्रामा बोलते हैं। तो इसके अंदर भी गजब का ड्रामा और प्लस एक्शन दोनों टॉप नॉच है, एक बार जरूर रिकमेंड करूंगा आपको देखने के लिए अगर अभी तक नहीं देखा है तो। अब भाई बढ़ते हैं अगले शो की तरफ। भाई इसके अंदर भी गजब का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, थोड़े बहुत हॉरर के साथ। भाई इस शो का नाम है स्वीट होम, 2020 के अंदर पहली बार आया था। इस शो के अंदर इंसान लोग किसी वजह से अजीब से मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं। तो इस शो के दौरान हमको एक ऐसी बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसके अंदर कुछ रहने वाले लोग होते हैं, और उनको पता चलता है बिल्डिंग के बाहर कैसा माहौल चल रहा है, आधे से ज्यादा पॉपुलेशन मॉन्स्टर्स में ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है। तो वो लोग उस बिल्डिंग के अंदर सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन भाई दिक्कत ये हो जाती है कि उस बिल्डिंग के अंदर भी कुछ मॉन्स्टर्स घूम रहे होते हैं। तो इनमें से कौन लोग सर्वाइव कर पाते हैं, कौन नहीं कर पाते, ये सब भाई शो देख के जानो। और भाई इसके अंदर बहुत ही घिनौने वाले मॉन्स्टर्स भी देखने को मिलते हैं, तो अगर आप कूनम खान वाले मॉन्स्टर्स देखना पसंद करते हो तो ये शो भाई आपको जरूर पसंद आएगा। और मेरे को लगता है कि हमारे चैनल की कम्युनिटी में बहुत सारे लोग होंगे जो कमेंट में इसकी तारीफ जरूर करेंगे कि उनका ये फेवरेट शो है। तो भाई अगर आप उनमें से हो जिन्होंने ये शो देखा है और लोगों को रिकमेंड करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में उनको बताना कि ये शो कितना मस्त है, उन लोगों को जिन्होंने ये अभी तक नहीं देखा है। तो वीडियो को बढ़ाते हैं अगले शो की तरफ। भाई इस शो का कॉन्सेप्ट क्या भाई जबरदस्त है, सही में बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर कराती है भाई सीरीज। इस शो का नाम है मूव टू हेवन और भाई 2021 के अंदर आया था। इसके अंदर मूव टू हेवन एक छोटा सा बिजनेस का नाम दिखाया होता है जो कि काफी यूनिक सर्विस प्रोवाइड करता है। आप सोच के देखो भाई, जो लोग मर जाते हैं उनका सामान पीछे रह जाता है, तो इस शो के अंदर जो बिजनेस है मूव टू हेवन उस सामान को जमा करता है और उसका जो भी बेस्ट यूज हो सकता है वो करता है। लेकिन भाई इस शो की खूबसूरत बात इसका बिजनेस नहीं है, जो कहानी दिखाई जाती है भाई, जो किसी एक इंसान के सामान देख के जो कहानी बनाते हैं ये लोग, जो एक इंसान का सामान देख के ये लोग इमोशन एक्सपीरियंस कराते हैं, जो ये मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं शो के द्वारा, जो कि है कि हर मौत की भी अपनी एक कहानी होती है, वो भाई बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही डीप मैसेज लगता है इस शो का। वैसे ही शो गुरु नाम के कैरेक्टर को फॉलो करता है जो कि अपने पहले फादर के साथ इसी बिजनेस में काम करा करता था, लेकिन उसके फादर की डेथ हो जाती है तो उसके अंकल के ऊपर उसकी जिम्मेदारी चली जाती है। फिर वो अंकल और गुरु नाम के दोनों बंदे इस बिजनेस को आगे लेके जाते हैं। अभी लोग कैसे बिजनेस को आगे लेके जाते हैं इस शो को देख के जानो, काफी खूबसूरत मैसेज है भाई। लेकिन मैं पहले बता दूं ये शो हर किसी के लिए नहीं है, थोड़ा स्लो पेस्ड है और पूरी तरह ड्रामा के ऊपर फोकस्ड है। तो भाई अगर आप दिल से उन इमोशंस को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो ही शो को देखना, वरना बेहतर रहेगा कि आप शो को स्किप कर दो।
अब हम आगे बढ़ते हैं अगले शो की तरफ। भाई मेरे को ये वाला शो के अंदर कैरेक्टर जो मेन लीड के अंदर भाई गजब का कैरेक्टर प्ले करा उस बंदे ने। शो का नाम है विंचेंजो और इसका पहला सीजन 2021 के अंदर आया था। अब भाई क्या गजब का शो है ये। इस शो के अंदर एक लॉयर की कहानी दिखाई है जो कि इटली में काम करा करता था। अब भाई आम लॉयर नहीं था, वो माफिया का लॉयर होता है। अब इटली में जिसके लिए वो काम करा करता था उसकी हो जाती है मौत, तो ये बंदा आ जाता है साउथ कोरिया। भाई यहाँ से जो उसकी जर्नी स्टार्ट होती है भाई सही में दिल छू लेगा भाई ये कैरेक्टर आपका। साथ ही शो के अंदर बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स भी हैं जो कि भाई शो के अंदर जबरदस्त कॉमेडी एड कर देते हैं। और भाई शो का जो मेन लीड है वो तो माफिया को बिलोंग करता था, तो शो के अंदर एक्शन भी जबरदस्त देखने को मिलेगा और ड्रामा शो है तो ड्रामा भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो भाई शो के अंदर जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, सिनेमेटोग्राफी है, बहुत ही खूबसूरत है। भाई पर्सनली मेरे को तो उस बंदे का कैरेक्टर ही बहुत पसंद आया, विंचेंजो नाम का जो है। काफी कूल डूड सा दिखाया लेकिन मारने पे तो भाई मार देता है, जान से मार देता है लोगों को। साथ ही जब अजीब लोगों से मिलता है तो उसके शक्ल पर जो एक्सप्रेशन आ जाते हैं भाई वो बहुत कॉमेडी लगते हैं। तो भाई शो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा, एक बार अभी तक नहीं देखा है तो ये वाला शो तो भाई डेफिनेटली एक मस्ट वॉच है हर किसी के लिए। जैसा मैं पहले बोल चुका हूं दोबारा रिपीट कर देता हूं, सारे शोज आपको नेटफ्लिक्स में हिंदी में देखने को मिल जाएंगे। एक और जरूर सोचना कि सारे शो अडल्ट है, किसी के अंदर खून खान ज्यादा दिखाया है तो किसी के थोड़े बहुत बीच में सेक्स सीन आ जाते हैं, तो ये सब अकेले देखो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब आप में से काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि इसके अंदर मैंने बहुत सारे शोज कोरियन ड्रामा कवर नहीं करे हैं, तो हाँ भाई इसके अंदर कुछ पॉपुलर वाले शोज इंक्लूड नहीं करे हैं मैंने, उसकी वजह ये वाली वीडियो जो स्क्रीन पर मैं आपको दिख रही होगी। इसके अंदर मैंने 13 नेटफ्लिक्स के बेस्ट शोज बताए हैं जो इसकी वजह से नेटफ्लिक्स इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। लेकिन उसके अंदर सिर्फ कोरियन शोज नहीं है, अलग अलग देशों के अलग अलग सारे शोज हैं लेकिन नेटफ्लिक्स के सारे बेस्ट शोज हैं। तो इस वीडियो को देखना कंसीडर कर सकते हो और शोज के बारे में जानने के लिए। अभी की वीडियो में यहीं पे खत्म करता हूं, अपनी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जैसे शोरों ने साइनिंग ऑफ।